बारे में क्या करना चाहिए? मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग आई जस्ट वॉन्ट टू बिकॉज हमारा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बना है, मैं ये चाहूँगी कि ऑडियंस खुद प्रोडक्ट देखे, हमारा शो देखे और फिर डिसाइड करके हमें बताए, अपना फीडबैक दे कि उन्हें हमारा शो कैसा लगा। इसके पहले आपने इतने सारे सीरियल्स के, इतने सारे शो के, तो उसमें इसमें क्या अंतर है? देखिए अंतर है, डिफरेंट है, ये बहुत ही एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पिछले 7 साल से आप मुझे हमारा साथिया में देख रहे हैं एज मोटा भाभी, एंड आप लोगों को मुझे कम शब्द बोलने वाली एक घर की बड़ी बहू जो घर को जोड़े रखना चाहती है, ये कुछ हद तक बेहद में आपको देखने मिलेगा, लेकिन या ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत अर्बन है, मेरे लुक भी काफ़ी डिफरेंट है, उसमें मैं गुजराती साड़ी, जूड़ा, हैवी ज्वेलरी, जैसे हमारी ऑडियंस, हमारी लेडीज़ हमें देखना चाहती हैं, इसमें मैं एक वर्किंग वूमन दिखाई गई हूँ एंड जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल ड्रेस्ड वूमन, सलवार कमीज एंड वेरी नॉर्मल, नो जूड़ा एंड नो हैवी ज्वेलरी, बट या रोल में बहुत ही एक स्ट्रॉन्गनेस है, शी इज़ अ वूमन जिसने अपने दोनों बेटों को, अकेली औरत ने, सिंगल मदर, अपने बेटों को बड़ा किया है एंड उसकी लाइफ की फाइट्स उस पे दिस शो इज़ अबाउट। इस तरह मैंने अभी ट्रेलर देखा, जैसे अर्जुन और आप में मतलब कुछ असल अनबन चल रही है, मतलब हाँ थोड़ा सा कुछ तो है, और मैं ये चाहूँगी कि ऑडियंस देखे, और मैं आपको ये अभी सस्पेंस नहीं बताना चाहती बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी नाइस ट्विस्ट, इट्स अ वेरी नाइस डिफरेंट थिंग फॉर मदर एंड अ सन रिलेशनशिप, वो मुझसे थोड़ा सा नाराज़ है, ये बात फैक्ट है, और वो नाराज़गी अपनी टाइम एंड अगेन दिखाता भी रहता है, बट मैं एक माँ हूँ और माँ को अपना बेटा, अपने बच्चे चाहे कितने भी नाराज़ हों, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे हमेशा उनके लिए अपने बच्चे ही रहते हैं, सो वक्त आएगा जब वो भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई या मेरी मॉम ने जो कुछ भी किया वो सही था। तो बेहद मतलब आपसे जैसे कि बात करें, बेहद किसी से प्यार हुआ, बेहद किसी से गुस्सा हो जाना, ऐसा कभी कुछ हुआ है? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी नाराज़गी होती है लोगों से, बट इतना ओवर द टॉप बेहद जैसा आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है, बट या हम आर्टिस्ट हैं इसलिए थोड़ा सा ओवर इमोशनल होने की वजह से थोड़ा सा ओवर द टॉप होते हैं, बट ओवर सेंसिटिव होते हैं, बट आई डोंट थिंक कि बेहद की हद जितना गुस्सा या ऐसी कोई इंस्टेंस मेरे लाइफ में हो। इसके बाद में साथ निभाना चाहती है तो सुपर डुपर रही है, या इसकी इससे क्या बेहद से क्या उम्मीद है? देखिए 7 साल से आप लोग साथ निभाना साथिया देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सराहा रहे हैं, मैं यही चाहूँगी कि आप लोग बेहद भी देखें और देखकर आप खुद ही तय करें कि आप लोगों को स्वाति मोटा भाभी की तरह अच्छी लगी है तो अच्छी लगी है, और अब वंदना की तरह भी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ये आप देखिए और आप हमें बताइए। मैंने ना ट्रेलर देखा, मुझे ऐसा लगा कि ऑस्कर वाली फिल्म जो है ना फ्री में देख ली हो, इतना तो ऐसा नहीं लगा आपको फिल्म होनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच, बट या हमारा हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बना है, बेहद इस जैसे हमारे दानिश जी ने कहा कि इज़ आउट टू ब्रेक बाउंड्रीज, और हम यही चाहते हैं कि सोनी के लिए एक लैंडमार्क शो रहे, एंड आर प्रोड्यूसर्स, आर डायरेक्टर राहिब जी, हमारे प्रोड्यूसर्स सुनील जी एंड प्रेम कृष्ण जी, दे हैव रियली ट्राइड वेरी हार्ड कि हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें, एंड आई एम थैंकफुल इफ़ ऑडियंस भी हम लोगों को उतना ही पसंद करे, उतना ही सराहे जैसा आज तक दूसरे शोज़ को, डिफरेंट शोज़ को सराहा है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।
सर बेहद ऐसा शो बना दिया ना उन्होंने कि जो मैंने आज तक मैं सीरियल नहीं देखता था, जो मैंने खुद के सीरियल के वो भी नहीं देखता था, मैं बस देखता था कि अपना सीन देखता था। लेकिन ये सीरियल ऐसा बनाया कि इसका कोई भी सीन उठा के देखो अब मज़ा आएगा देखने में। लूप बांध के रखेगा, यूथ फैक्टर है इसके अंदर, एक सास बहू ड्रामा नहीं है। लव के तो मतलब वर्गो और वर्गो तो आपको सुन रहे फैंस सुनेंगे जो सुनेंगे, वर्गोस पता होने की कितने प्यार करते हैं और प्यार लेते हैं वो लोग, और प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन वही है कि हद में होना चाहिए, बेहद कुछ नहीं होना चाहिए। बेहद जैसे कि बेहद कभी प्यार हुआ या प्यार गुस्सा है या बेहद होता है, होता होता है सब कुछ, इंसान है बेहद हर चीज़ होती है, लेकिन यही है कि जो उसे कंट्रोल कर ले वो इंसान है, जो ना कर पाए फिर वो बेहद हो जाता है और फिर उसकी चीज़ें लाइफ में गड़बड़ होने लगती हैं। जी, देखो सर इस शो में स्टार्टिंग में थोड़ी टेंशन है, बहुत सारी टेंशन्स होंगी होगा वो, लेकिन मैं एक एनर्जी बूस्टर रहूँगा इस शो में कि उठ के आएगा कैरेक्टर और सबको ठंडा करेगा, भाई चल एंजॉय करो लाइफ है, क्या इतनी टेंशन्स ले रहे हो, पियो खाओ पियो एंजॉय करो लाइफ, ये रहेगा। इसके पहले आपने इतना सीरियस या शो किया है। जी, इसमें उसमें क्या अंतर है सर? उसमें इसमें ये अंतर है कि इससे पहले मैंने लीड में शो किया था, इसमें लीड में नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सास बहू के शो किए थे, इसलिए सास बहू का शो नहीं कर रहा हूँ। और ये टीम बहुत अच्छी है सिनेमा प्रोडक्शन हाउस, आई थिंक अभी तक मैंने दो शो किए इससे पहले, ये प्रोडक्शन हाउस भी बहुत अच्छा, और जिस तरीके से मेकिंग है ना इन लोगों की, 3 महीने से पहले से हम शूट कर रहे हैं, तो मतलब बेस स्ट्रॉन्ग कर रखा है इन्होंने, कोई प्रोडक्ट से कोई वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं उसे बताओ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा चलो, ये आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है, ऊपर वाला कृपा करे सिनेमास्ता के ऊपर कि इसको इसकी फिल्म भी बना दे और उनको ऑस्कर भी मिल जाए। नहीं सर अच्छी बात है अगर आप कह रहे हो तो, और मुझे भी अच्छा ही लगा शो जी। थैंक यू। अभी कौन बाकी है? एक मिनट, ऑस्कर पे पॉज है एक्चुअली, रियली एक्चुअली रियली वैसे तो मुझे कुछ नहीं बोलना है अभी, आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू बी वॉचिंग बेहद, बिकॉज अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो आई एम गिविंग ऑफ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं देनी है। इट्स अ सस्पेंस, इट्स काइंड ऑफ यू नो, आप लोगों को पिन्स एंड नीडल्स पे रखेगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप प्लीज़ बैठ के देखें। यही है, हाय मैं बेचारी, यू नो लाइक दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज़ गोना से, हाय बेचारी। हाँ मेरा थोड़ा सा सैड कैरेक्टर है। अगेन मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या नहीं बताऊँ और क्या बताऊँ आप लोगों को, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू यू नो टेल कि क्या होने वाला है। मेरी बेटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत डिफरेंट है, और जो मेरा हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत डिफरेंट है। मुझे यहाँ से भी पड़ती है, वहाँ से भी पड़ती है, तो मैं बीच दोनों के बीच में फंसी हुई हूँ। सो जैसे कि ट्रेलर में देखने हैं आपके जो हस्बैंड है बहुत मतलब काफ़ी दिनों से आपसे दूर है, बट आप उनका इंतज़ार कर रही हैं। सो हाँ मैं उनकी दीवानी हूँ, और आई थिंक 99% इंडियन औरतें अपने हस्बैंड्स की दीवानी ही होती हैं, चाहे उनको मार पड़े या उनको गालियां पड़े या उनको यू नो कुछ भी हो, वो एक सॉरी आके बोल देते हैं तो ये पिघल जाती हैं। तो मैं उन टाइप की यू नो उन वैसी औरतों के उनसे रिलेट कर सकती हूँ अपने आप अपने अपने कैरेक्टर को, बट इट्स आई जस्ट होप जो मैं प्ले कर रही हूँ और जितनी भी औरतें मेरे से कनेक्ट कर सकती हैं, एंड इफ़ दे आर गोइंग थ्रू द सेम इन देयर हाउस, जस्ट वेक अप, लाइक डोंट टेक इट। आई मीन आपको एक जिंदगी दी है भगवान ने, जस्ट लिव फॉर योर सेल्फ, बी सेल्फिश, लिव फॉर योर सेल्फ।
जी हम देख रहे हैं आपको काफ़ी दिन से टीवी पे, तो मतलब आपने इतना सारे सीरियल मूवीज किए हैं, तो उसमें इसमें क्या अंतर है? अभी तक जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, मैंने स्ट्रॉन्ग, मैंने मनमर्जिया में आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, मेरी आवाज़ पहचान में आई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैथलिक वुमन, व्हाट यू कॉल इट, मैंने अभी एक छोटा रोल किया था कैमियो इन 24 में भी, मैं इंडिपेंडेंट वुमन का कैरेक्टर था. दिस इज़ द ओनली सीरियल जहाँ पे मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ कि मेरे बस में कुछ नहीं है, यू नो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ नहीं है. बेहद जैसे कि बात करें, बेहद अभी बेहद प्यार प्यार गुस्सा है नहीं, नहीं कुछ हुआ आपके साथ, आपने बेहद किया है? यू मीन रियल लाइफ में? रियल लाइफ रियल लाइफ में मैंने क्या किया है बेहद, वो मैं सोच रही हूँ. आई वॉज जस्ट, जैसे कहते हैं ना, एक पैरानॉइड मदर. मेरे 3 बच्चे हैं एंड मैं एकदम साइको, मैं साइको नहीं बोलूँगी बट मैं एक परफेक्शनिस्ट मदर बोलूँगी, जो कि मैं थी जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, कि सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे खाना खाना है, सही टाइम पे पढ़ना है, सही टाइम पे ट्यूशन जाना है, सही टाइम पे नहाना है, होमवर्क, एवरीथिंग हैड टू बी सिस्टमैटिक, में टाइम टेबल के हिसाब से कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती थी. तो मैं वो नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो, यू नो, इट्स कॉल्ड बेसिकली, यू नो, इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर क्या कहते हैं पैरानॉइड मदर, बट इट इज़ यही चीज़ मैं कोई, मैं जो अगर मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं अगर चेंज कर सकती हूँ या करती, चेंज कर सकती थी, तो आई वुड हैव चेंज्ड दैट कैरेक्टर, बिकॉज अब मैं सोचती हूँ कि बच्चों को जैसे बड़ा होना है, जैसे करना है वैसे होने दो, यू नो, लाइक मत डांटो, मत मारो. मैंने बहुत डांटा, मैंने बहुत मारा, मतलब I just wanted them to be perfect children, you know, like jahan, which is not right. No, but story jis tarah ki, aisa lagta hai ki matlab movie honi chahiye thi, amazing story. To aisa nahi lagta aapko movie banni chahiye thi behad? Oh, aap bol rahe hain ki is par aap isko please dekhenge to aapko lagega ki ye movie hi hai. Movie hai. You know, jaise ye shot hua hai aur jaise hamare scenes inhone shoot kare hain, हमें एज एन एक्टर हमें नहीं लगा कि हम एक सीरियल कर रहे हैं. जब जो भी हमने सीन्स यू नो इन एक्ट करे वगैरह, इट वाज लाइक ओ माय गॉड, इट साउंड्स लाइक अ मूवी, इट लुक्स लाइक अ मूवी. एंड अब मैं इसको पूरा एडिट के बाद जब मैंने अब इसको देखा है, तो इट इज़ लाइक अ मूवी, यू नो, इट्स नो लेस. यू नो, बट मैंने भी देखा अभी 30 में से 40 में, जरा सा भी बोरिंग नहीं लगा, ऐसा वही तो मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे से कहानी पूछ रहे हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है, वॉट एवर. मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं रहेगा देखने का कि ये है कौन और क्या है इसकी प्रॉब्लम और क्या है इसकी बेटी की प्रॉब्लम और इसके पति की प्रॉब्लम क्या है. आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओ, यू नो, लाइक अच्छा ये है. सो इसलिए आप प्लीज ऐसे कहानी ना पूछें. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. मतलब बोल चुके हैं तो मैं